ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन परमानन्दं सद्गुरुम् ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सद्गुरु भगवान् की जय स्वामी जी महाराज की जय शिवोहम। आज का जो श्लोक है वो गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक है 29। आज का जो श्लोक है वो गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्राण और अपान इनकी जो क्रियाएं होती हैं उसके उसको कैसे इस आध्यात्म के तल पर कैसे हम देखें कि प्राण और अपान की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को हम श्लोक है कि अपाने जुहते प्राणम प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अपाने जुह्यति प्राणम् अपाने जुह्यति प्राणम् प्राणे अपानम तथा अपरे अपाने जुहेते प्राणम प्राणापाने तथा अपरे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपाने यानी अपान वायु में जुहते यानी हवन करते हैं प्राणम यानी प्राण वायु का प्राणे यानी प्राण वायु में अपानम यानी अपान वायु को हवन करते हैं प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम परायणा प्राणायाम परायण पुरुष ऐसा करते हैं। अब यह तो हो गया इसका शब्दार्थ अब इसका जो पुस्तकीय अर्थ है वो इस तरह का है कि अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते हैं। और प्राण अपान
प्राणापान दोनों को रोककर, प्राणापान दोनों को रोककर, प्राणायाम परायण जो पुरुष होते हैं वो अपने सारे कर्मश सारे कर्मों को फलों को विसर्जित कर देते हैं। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा परब्रह्म सर्वात्मा श्री हरि नारायण श्री कृष्ण भगवान अपने प्रिय भक्त अर्जुन के माध्यम से और सारे जगत को ये बात बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि ये जो साक्षी हम आपको बताते हैं, जब आप अपनी प्रत्येक क्रिया में साक्षी रहते हैं, जैसे 26, 27 और 28 श्लोकों में बताया है, जब आप प्रत्येक क्रिया में साक्षी रहते हैं, इंद्रियों में साक्षी रहते हैं, तन्मात्रा में साक्षी रहते हैं, तब आपका प्राणों के में साक्षी रहने का नंबर आता है, तब आपका अभ्यास प्राणों तक पहुंचता है, तब आपको अपने अंदर चल रहे प्राणों के निरंतर यज्ञ का पता चलता है। अभी तक तो आपकी सांसें बेकार जा रही थी, आपको पता ही नहीं था कि सांस किधर चल रही। विपस्ना वाले भी सांस पर ध्यान करना सिखाते हैं और हम भी नए साधकों को सांस पर ध्यान करना सिखाते हैं। प्रारंभिक रास्ते तो सही हैं, लेकिन बाद में जो है जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो फिर किसी के पास है नहीं। बस यहां तक तो सुनी सुनी बातों में, कल वेदांत आनंद बता रहे थे बहुत से लोग साक्षी का अभ्यास कराने लग गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कराओ। लेकिन जो एडवांस टेक्नोलॉजी है चक्रव्यूह के दो चार दरवाजे तो तोड़ सकते हो, लेकिन आखिरी दरवाजा तो नहीं तोड़ सकता कोई भी नहीं तोड़ सकता सिवा सतगुरु। तो अपने आप को जो अंदर चल रहे प्राणों के निरंतर यज्ञ का पता कब चलता है, जब बहुत सूक्ष्म अपना साक्षी हो जाता है। आप अपने प्राणों का हवन करते हैं अपान में, अब इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी, आप प्राण लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाके रक्त में घुलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके एक एक कोशिका में जाता है और एक एक कोशिका में वहां मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्रिया होती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके रक्त में एक निश्चित मात्रा में घुल सकती है, ज्यादा घुलेगी तो मृत्यु हो जाएगी, तो वो घुल के फिर फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ये होगा प्राण का अपान में हवन। अब अपान का प्राण में हवन कैसा, कि जब दो प्रकार की क्रिया होती है, एक मेटाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म, तो जब आपका जो अपान का हिस्सा रहता है, अपान का हिस्सा कौन सा, आपकी नाभि के नीचे की जो वायु होती है वो अपान वायु कहलाती है। तो आप अगर आपके अंदर अपान वायु नहीं हो तो आप मल मूत्र का विसर्जन भी नहीं कर सकते। तो अपान वायु का काम है मल मूत्र का विसर्जन करना, प्राण वायु का काम है आपके जीवन को धारण करना। तो ये जो प्राण और अपान का जो हवन की क्रिया है, ये क्रिया आपको तभी मालूम पड़ती है जब आप गहन साक्षी की अवस्था में उतरते हैं, और नहीं तो आपको मालूम ये क्रिया नहीं पड़ती है, तब तो आप ऐसे ही जीवन जी के निकल जाते हो। तो जीवन धारण करने के लिए यह जरूरत है कि अपान प्राण उदान व्यान और समान सबका संतुलन चाहिए, ना कूर्म क्रंकल धनंजय और देवदत्त सबका संतुलन चाहिए दसों वायु का। अभी यहां पर दो ही वायु के बारे में बताया जा रहा है। तो ये प्राणों की जो शक्ति है वो टकराती है कहां, अपान वायु में, और अपान वायु से टकराने के बाद आप अपने शरीर को जब प्रयोगशाला बनाते हैं, ये वैज्ञानिक तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म इन्होंने तो प्रयोगशाला में खोजी, लेकिन साधक तो अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाता है, तब वह प्राणों को अपान को अलग से देखने में समर्थ हो जाता है।
इन क्रियाओं का साक्षी होकर इनसे हट जाता है। अब एक बात और, स्वामी जी महाराज भगवान श्री ज्ञानानंद जी महाराज कहां करते थे, इसका एक अर्थ और अच्छा है। भगवान ज्ञानानंद जी कहते थे कि जो पूरक का अर्थ गूढ़ार्थ है, पूरक है ना, उसका गूढ़ार्थ क्या है कि वास्तव में जो भक्षा भक्ष करना, ये अज्ञानी लोग जो है ना, ये इनके शरीर का अनुवाद है, ये भक्षा भक्ष करा करते हैं, कुछ भी खाया कुछ भी पिया। तो स्थूल शरीर, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबका अध्यारोप कर लो और फिर उसको रेचक करो, एक एक करके निकालो, नेति नेति करते हुए निकाल के बाहर करो। न स्थूल शरीर है, न इंद्रिया है, न कर्मेंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है, न प्राण है, न अपान है, न उदान है, न ब्यान है, न समान है, न नाग है, न कूर्म है, न ग्रंकल है, न देवदत्त है, न धनंजय है, कुछ नहीं। सबको बाहर निकालो, न पांच प्राण, सबका निषेध करो, ये रेचक है। और कुंभक का मतलब है कि जब सबको बाहर निकाल दिया तो फिर अपने खाली पने में ठहर जाओ, फिर खाली हो गए तो उस खाली पने में ठहर जाओ। उस खाली पने में ठहर जाना, ये तो भान अवस्था आ जाती है। तो इसका पहले अध्यारोप कर लेना, फिर इसको पूरक करना, बार बाहर निकालना, फिर इसको मतलब हाँ पूरक करना, फिर रेचक करना, और फिर अपने आप में कुंभक करके जो व्याप्त चैतन्य है, उस व्याप्त चैतन्य में ठहर जाना, ये इसका अर्थ है। ये राजमार्ग है, मूर्खों का मार्ग नहीं है। अगर ये मूर्ख का मार्ग होता तो कवि साहब ये नहीं कहते कि नाक न रूंधू, कान न रूंधू, काया कष्ट न धारू और खुले नयन से प्रभु को निहारू। इसलिए गुरु गीता भी कहती है कि मत कर प्राणायाम तू, मत कर जटिल अभ्यास, मत कर प्राणायाम तू, मत कर कठिन अभ्यास, आत्मभाव के पाए से सब कुछ होता आप। अरे भैया जरा सच्ची की साधना करके तो देखो, सब कुछ हो जाएगा, प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह जो सूत्र कह रहा है, अपाने जुहेते प्राण जुहेति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापान कतिर्ध्वा प्राणायाम प्राणा, इसका मतलब यह है कि मूर्ख लोग परमात्मा की जो पावन शक्ति, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति है, उस समय और जीवन को अपान यानी अपवित्र संसार के कार्यों में भस्म कर देते हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में मरे जा रहे हैं। जिंदगी का अगर देखा जाए तो 70% हिस्सा व्यक्ति काम की भावना का पोषण, चिंतन और संवहन में लगा देता है, तो जीवन की संभावना को भस्म कर डालते हैं। ये हो गया अपाने जुहेति प्राणम, अपान को तुमने प्राण को तुमने अपान में भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया, बेकार कर दिया। जैसे संसारी होता है ना, वो अपने जो तेज कण होते हैं, मूल्यवान जो कण होते हैं, समझ जाओ, उन कणों को, उन शक्तियों को और विपरीत लिंगी व्यक्ति के शरीर में हवन करके उस तेज को नष्ट कर डालता है, जरा से सुख के लिए। बूंद भर सुख है, उस सागर की संभावना नष्ट कर दी उसने। इस प्रकार अपने को सदा पवित्र और आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आत्मा में अंतकरण रूपी अपान यानी गंदी काल्पनिक वस्तु का अध्यारोप करके प्राणों को अपान में भस्म करता है, वह अपना अवसर खो देता है। और कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो कुंभक करते हैं, पेट फुला फुला के और सांस के क्रिया को रोक रोक के और प्राणायाम का नाटक करते हैं, और परमात्मा के तो कहीं अते पते नहीं है उनको। है साहब वो तो 5 मिनट सांस रोक लेते हैं, है साहब वो तो 15 मिनट सांस रोक लेते हैं, है साहब वो तो आधा 1 घंटा तक सांस नहीं लेते। तो भैया सांप भी तो इतनी लंबी लंबी सांस रोक के बैठा रहता है और 1000 वर्ष जीता है, आयु होती है सांप की 1000 वर्ष, सर्प की।
तो परमात्मा मिल गया सांप को। जब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांच कोश से परमात्मा न्यारा है, तो ये प्राण तो दूसरा ही कोश हुआ ना, अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश हुआ, तो परमात्मा दूसरा कोश है ना, इस कोश से तो वो न्यारा है ना, सैक से तो न्यारा है ना, तो प्राणायाम से परमात्मा कैसे मिल जाए। प्राणायाम से इतना हो सकता है कि तुम थोड़ी ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता अधिक रख लो, तुम्हारा चेहरा चमकने लग जाए, लेकिन तुम्हारा चेहरा कितने भी चमक है, तुम अगर अज्ञानी और अंधे मर गए तो तुम्हारे चेहरा मेरा तो यही जल जाएगा डायमंड लकड़ी में। इसलिए इसका गूढ़ अर्थ सिर्फ इतना है कि प्राणों को लेते और देते समय दसों प्राणों की क्रियाओं में न रह सकते, भी इसमें यही बताया कि प्राण अपान इन दोनों के क्रिया में आप साक्षी कैसे रहो, कैसे आप उसमें जागो। प्राणायाम तो चल ही रहा है, जो साक्षी करते हैं उनको पता रहता है कि जब वो साक्षी के ध्यान में बैठते हैं तो जरूरत के मुताबिक सांस चलती है, जब ज्यादा लंबी चलती है तो ज्यादा लंबी की जरूरत तो लंबी चलती है, छोटे चलने की जरूरत छोटी चलती है। साक्षी के अभ्यास करने वाले को कभी प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ऑटोमेटिक प्राणायाम होता है। बस सिर्फ इतना है कि उस होते हुए प्राणायाम को जागकर देखने की कला आना चाहिए। सद्गुरु भगवान की जय। शुभ।